वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे वाटरमार्क फैसिलिटी के बारे में। वाटरमार्क मीन्स लोगो, टेक्स्ट या पैटर्न जो आपको आपके इनवॉइस या कोई रिपोर्ट में रखना होता है। ऐसा करने का मेन उद्देश्य ओरिजिनल इमेज को उसकी कॉपी बनने से और बिना अनुमति के उसे उपयोग करने से बचने के लिए होता है, ताकि डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी बनी रहे। मिरेकल सॉफ्टवेयर में वाटरमार्क फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे हम अपने इनवॉइस या रिपोर्ट के बैकग्राउंड में कंपनी का नाम या लोगो सेट कर सकते हैं। वाटरमार्क फैसिलिटी सभी वाउचर फॉर्मेट और रिपोर्ट प्रिंटिंग में भी अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी मिरेकल में वाटरमार्क सेटअप कैसे करते हैं। पहले सेटअप में कंपनी सेटअप में जाएं, रिपोर्ट सेटअप पर क्लिक करें। यहाँ पर हमें वाटरमार्क का ऑप्शन दिखेगा और फिर वाटरमार्क प्रिंटिंग रिक्वायर्ड में डबल क्लिक करते ही ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। सबसे पहले हमें वाटरमार्क की प्रोफाइल बनानी होगी। इसके लिए अलग अलग ऑप्शन सॉफ्टवेयर में दिए हैं, तो उसके लिए हम सेटअप में वाटरमार्क ऑप्शन में जाएंगे। प्रोफाइल बनाने के लिए इंसर्ट की प्रेस करें या फिर ऐड बटन पर क्लिक करें। अगर किसी को बैकग्राउंड में टेक्स्ट मैसेज चाहिए तो हमें उसकी प्रोफाइल ऐड करनी पड़ेगी, और किसी को बैकग्राउंड में इमेज चाहिए तो उसकी प्रोफाइल ऐड करनी पड़ेगी। हम यहाँ दोनों टाइप की प्रोफाइल सेट करेंगे। यहाँ पर हमें प्रोफाइल का नेम ऐड करना होगा। सेट वाटरमार्क में यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क। फर्स्ट हम पिक्चर वाटरमार्क के लिए प्रोफाइल ऐड करते हैं। प्रोफाइल में हमें नाम लिखना होगा। यही नेम हमें वाउचर सेटअप और रिपोर्ट सेटअप में दिखाई देगा। पिक्चर वाटरमार्क सेलेक्ट करें, फिर पिक्चर पाथ सेलेक्ट करें। यहां से आप अपना लोगो अटैच कर सकते हैं। यहां पर इमेज PNG, JPG, JPEG और बिटमैप फॉर्मेट में से अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट लेआउट में हमें हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी को इमेज क्रॉस में चाहिए तो वो डायगोनल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केल में हमें डिफॉल्ट 100 की वैल्यू मिलेगी। अगर इमेज की साइज बड़ी रखनी है तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर इमेज छोटी रखनी है तो इस वैल्यू को डाउन भी कर सकते हैं। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के ऑप्शन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो ये तय करेंगे कि पेज में इमेज किस हिस्से में प्रिंट होगी। हम हॉरिजॉन्टल में सेंटर और वर्टिकल में मिडिल सेट करेंगे, ताकि इमेज पेज के सेंटर में प्रिंट हो। सेट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोफाइल ऐड हो गई है। नेक्स्ट हम टेक्स्ट वाटरमार्क कैसे सेट करते हैं उसका सेटअप देखेंगे। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल का नाम लिखें और टेक्स्ट वाटरमार्क ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर टेक्स्ट में आप जो भी टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट इंसर्ट करें। नेक्स्ट हम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए ये 3 डॉट बटन पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट करेंगे। फिर ओपेसिटी से हम जो भी टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं उसकी पारदर्शिता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लेआउट में हम डायगोनल सेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल में हम सेंटर और वर्टिकल में मिडिल सेलेक्ट करेंगे। सेट करने के बाद सेव पर क्लिक करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट वाटरमार्क के लिए प्रोफाइल बन गई है। अब इस प्रोफाइल को हम सेल्स बिल वाउचर फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम ट्रांसैक्शन, सेल्स एंट्री, सेल्स इनवॉइस में जाएंगे। कोई भी वाउचर पर Ctrl+P प्रेस करें या वाउचर प्रिंट बटन पर क्लिक करके वाउचर प्रिंट ऑप्शन ओपन होगा। जिस फॉर्मेट में हमें वाटरमार्क ऐड करना है वो फॉर्मेट सेलेक्ट करें। हम एक प्रोफाइल एक फॉर्मेट में और दूसरी प्रोफाइल दूसरे फॉर्मेट में सेट करेंगे। सबसे पहले हमें बिल स्क्रीन पर व्यू करना है। ऊपर दिए गए वाउचर फॉर्मेट बटन पर क्लिक करना है ताकि फॉर्मेट एडिट हो। नेक्स्ट F2 प्रेस करें या इस आइकॉन को क्लिक करें। पॉपअप में नीचे वाटरमार्क का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। वाटरमार्क ऑप्शन में से प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकेंगे और यहाँ पर प्रोफाइल ऐड भी कर सकते हैं। वाटरमार्क प्रोफाइल सेलेक्ट करें और ओके बटन पर क्लिक करें। बाद में पेज को सेव करें। प्रिंट प्रीव्यू में हम इमेज वाटरमार्क देख सकते हैं।
इसी तरह से हम दूसरे फॉर्मेट में टेक्स्ट वॉटरमार्क सेट करेंगे। पेंट प्रीव्यू में हम टेक्स्ट वॉटरमार्क देख सकते हैं। हम रिपोर्ट के लिए भी वॉटरमार्क सेट कर सकते हैं। पहले रिपोर्ट में जाएं, अकाउंट बुक में लेजर पर क्लिक करें और स्पेसिफिक लेजर सिलेक्ट करें। फिर कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके वॉचर प्रिंट फॉर्मेट ऑप्शन को ओपन करें, जिसमें हमें रिपोर्ट के लिए वॉटरमार्क सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको वॉटरमार्क ऑप्शन मिलेगा, फिर वॉटरमार्क प्रोफाइल सेलेक्ट करें। प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करें। रिपोर्ट के प्रिंट प्रीव्यू में हम पिक्चर वॉटरमार्क देख सकते हैं। इस तरह से आप बैलेंस शीट, प्रोडक्ट लेजर और आउटस्टैंडिंग जैसे रिपोर्ट में वॉटरमार्क फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम हमारा ट्यूटोरियल समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।